बना के भेजो भैया टीम साहब। जेवर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद जेवर की जनता के लिए गंदगी का अंबार अब सिर दर्द बनने लगा है। बीते तीन दिन से सड़कों नालियों की सफाई न होने से कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पंचायत सफाई कर्मियों और व्यापारी वर्ग के बीच हुए इस झगड़े से जेवर की जनता को अब एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अभी तक इस समस्या का कोई सॉल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दो पक्षों के बीच की यह लड़ाई अब जेवर में दो राजनीतिक धुरंधरों के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। जेवर के वर्तमान नगर अध्यक्ष और पूर्व नगर अध्यक्ष के बेटों के नाम एफआईआर में दर्ज होने के बाद मामला और भी संगीन हो गया है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है ये भाई, चारों तरफ बीमारी फैल रही है, कूड़े कचरे की आम जनता क्यों परेशान है, ये कब तक समस्या हल होगी। वर्तमान अपडेट यह है कि दूसरे पक्ष के गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मी और नगर पंचायत कर्मचारी बीते तीन दिन से सफाई न करते हुए हड़ताल पर हैं और उन्होंने सफाई कार्य बंद कर रखा है। नौबत यह आ गई है कि जहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहां सड़न और बदबू लोगों के सिरों में दर्द पैदा कर रही है। इतना ही नहीं, बाजार में कई जगह कूड़े के जलाने के कारण प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। दबे जवान में लोग इस समस्या का निदान चाह रहे हैं। हालांकि मामला पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों के बीच का है, इसलिए लोग खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस मामले को लेकर अब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि शीघ्र ही इस समस्या का निदान कराने के लिए दोनों पक्षों में बात की जाएगी और जल्द ही क्षेत्रवासियों को इस समस्या से निजात मिलेगी। अब देखना यह है कि दोनों ही पक्षों में किस तरह से यह मामला सॉर्ट आउट हो पाता है और जीवन फिर एक तरह से सुचारू हो पाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अगली अपडेट के लिए जेवर प्रेस।